नमस्कार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा है, उनसे बात करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर अब एक बार फिर से आवाज़ उठने लगी है। क्या लगता है जातीय जनगणना बिहार में होना चाहिए? ये तो बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर केंद्र नहीं करेगा तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर करेगी, तो उन्होंने बोला है उन्हें करना चाहिए, देरी कर रहे हैं उनको। तो हम लोग ने बात किया है कि आज मिलेंगे उनसे और आग्रह करेंगे कि अपने खर्चे पर करिए, जातीय आधारित गणना होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से संसद में नित्यानंद राय ने लिखित दे दिया कि पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं होगा, सर वो तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम केंद्र सरकार नहीं करेगी, तो पहले ही कह चुके हैं। अब नित्यानंद राय जी बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब प्रधानमंत्री ही बोल चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जान रहे हैं इस बात को, लेकिन राज्य के खर्चे पर जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। शराबबंदी जिस तरीके से लागू है और कल पुलिस लाइन में शराब मिला है, शराब की खाली बोतल मिली है, सर जब शराब आ रहा है बिहार में तभी तो खाली बोतल मिल रहा है। आप लोग खाली बोतल की बात सब लोग कर रहे हैं, सदन में भी खाली बोतल मिला, अरे खाली बोतल हुआ कैसे, जब शराब आया तब ना। प्रशासन के तंत्र के लोग शराबबंदी को विफल है कंट्रोल करने में, इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या करना है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अजीत शर्मा। जिस तरह से जातीय जनगणना की बात हो तो आज नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, उनको पत्र देंगे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि खाली बोतलें मिल रही है, लेकिन कहना है विपक्ष का कि आखिरकार खाली बोतल कहां से मिल रही है, अगर शराब आ रही है तभी तो वो बोतल खाली हो रहा है, ये इस पर क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को इस पर विमर्श करना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। हालांकि कई बार समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, कई बार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन अब बिहार में शराबबंदी को लेकर सदन में जो सियासत है वो काफ़ी तेज है। साथ ही साथ आपको बात करें कि जिस तरीके से जातीय जनगणना, तो आज जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे तो क्या कुछ होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर नीतीश कुमार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाते हैं या फिर से किसी और प्रकार की कोई बात निकल कर सामने आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो हम अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाने को तैयार हैं, लेकिन इसको लेकर पहले समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री से, एक बार सर्वदलीय बैठक होगी, तमाम विपक्षी पार्टियाँ भी मौजूद होगी। इस तरह की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं, लेकिन अब जब समय आ गया है तो आज तेजस्वी यादव विधानसभा में जब चलेगा तो विधानसभा के दौरान वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जातीय जनगणना को लेकर उन्हें कहेंगे कि बिहार में अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाते हैं या फिर से किसी और प्रकार की कोई बात निकल कर सामने आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो हम अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाने को तैयार हैं, लेकिन इसको लेकर पहले समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री से, एक बार सर्वदलीय बैठक होगी, तमाम विपक्षी पार्टियां भी मौजूद होगी। इस तरह की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं, लेकिन अब जब समय आ गया है तो आज तेजस्वी यादव विधानसभा में जब चलेगा तो विधानसभा के दौरान वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जातीय जनगणना को लेकर उन्हें कहेंगे कि बिहार में अपने खर्च पर, राज्य सरकार अपने तर्ज पर, अपने जो खर्च है उसी के आधार पर कराए, ताकि आने वाले समय में जो भी समस्याएं हो रही है, कौन से लोगों जो है वो वंचित है, उन तमाम लोगों को देखा जाए। और भी अपडेट्स के साथ नमस्कार।